अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली। सो आज हम लोग बहुत ही एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, वन एंड अदर एक्साइटिंग। सो यहाँ पर इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट आपके सामने है और प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉनकैटिनेट को जो है वो कपअप किया था। सो इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट को देखते हैं कि ये क्या होता है। अच्छा जी, याद रखिएगा, इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट हमारे पास कुछ सॉर्ट ऑफ कोड होता है जिसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आज की एग्जांपल्स में मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लाइक मैं यहाँ पर नेम ले लेती हूँ। मैंने यहाँ इंडिकेट किया, ये आप नेम भी ना लेना चाहें, मर्जी कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर वेरिएबल रन, मैं न्यूमेरिक के साथ काम करी हूँ। ओके, मैंने वेरिएबल लेके एज 18 डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर एज अगर इक्वल होती है 18 के, ठीक है, 18 के अगर इक्वल एज होती है, तो हम यहाँ पर ब्लॉक कोड के अंदर एक स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं कि अलर्ट, और हम मेंशन कर देते हैं यस यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। लेकिन अगर इन केस किसी की एज जो है वो इसके सिमिलर नहीं होती है, तो फिर क्या होगा? तो फिर हम वहाँ पर एल्स की कंडीशन को ओपन करते हैं ताकि हम एटलीस्ट एक वक्त में दो एग्रीमेंट डिक्लेयर कर सकें। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा अलर्ट और मैंने यहाँ पर इस चीज़ को राइट डाउन किया नो नॉट याट एलिजिबल, ठीक है जी। ये काम करने के बाद मैं इस कोड को रन करा के चेक करती हूँ कि व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ माय कोड। यस यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, यहाँ पर क्यों लिखा है? रीज़न इज़ दैट कि इफ़ की कंडीशन ने जब चेक किया कि जो यूज़र ने इनपुट दिया था वो 18 था, और जब स्टेटमेंट चेक किया तो जाहिर सी बात है एज अगर इक्वल का मतलब बराबर है 18 के, तो वो ऑटोमेटिकली इस ब्लॉक में आ गया। लेकिन अगर यूज़र का इनपुट चेंज होता है, अगर यूज़र ने जो जो कह सकते हैं कि एज लिखी है वो 20 लिखी है, तो फिर रिज़ल्ट इंडिकेट क्या करेगा? नो नॉट याट एलिजिबल। इट्स मीन दैट मेरी दोनों कंडीशन वर्क कर रही हैं, और अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू 18, अब यूज़र की डेट 20 है, अगैन वो स्टेटमेंट को चेक करेगा, उसने कहा नहीं भैया आप एलिजिबल नहीं है। इसी तरीके से अगर यूज़र ने जो डेट लिखी है वो 10 है, तो यहाँ पर भी वो लेस देन 18 हुआ तो वो ही कहेगा यस यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो यहाँ पर स्टेटमेंट वर्क कर रहे हैं मेरे दोनों। इसी तरीके से आप मल्टी स्टेटमेंट्स बना सकते हैं एल्स इफ की कंडीशन को, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।